हेलो एवरीवन, आज मैं आपको नोटपैड क्या होता है कंप्लीट जानकारी में आपको बताऊंगा। आइए सबसे पहले हम नोटपैड ओपन करते हैं। विंडो प्लस आर से आप नोटपैड टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे ओके कीजिए। यहाँ पे नोटपैड होता क्या है? नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको विंडो के किसी भी वर्जन में मिल जाती है। हम इसमें सिर्फ टेक्स्ट को लिख सकते हैं, कलर नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर यूज इसका हम टेक्स्ट लिखने के लिए और कोडिंग का HTML की कोडिंग करने के लिए यूज करते हैं। इसका एक्सटेंशन हम देखा जाए तो बाय डिफॉल्ट .txt होता है और बात करते हैं सबसे पहले जो ऊपर वाली पट्टी दिखाई देती है हम इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार बाय डिफॉल्ट आपका हम इसको बोलते हैं टाइटल बार। बाय डिफॉल्ट इसमें अनटाइटल लिखा होता है। इसी के राइट साइड में आपको मिलता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, एग्जिट बटन या क्लोज बटन। उसी के नीचे जस्ट हमको मिलेगा जिसको बोलते हैं मेनू बार और ठीक उसी के नीचे हमको मिलता है कर्सर। मेनू बार में बाय डिफॉल्ट आपका पांच ऑप्शन दिखाई देता है जो फाइल होती है, एडिट होती है, फॉर्मेट होती है और व्यू होती है, हेल्प होती है। फाइल में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे हम यहाँ पे नोटपैड की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे आते हैं फाइल पे क्लिक करते हैं तो न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट बटन। न्यू होता क्या है? जब हम कोई डॉक्यूमेंट लिखे होते हैं जैसे ही कंट्रोल हम रन करते हैं तो ऑटोमेटिक नया पेज खुल जाता है। यानी कि इससे बात कर सकते हैं कि इसको हम नया पेज लेने के लिए करते हैं। ओपन क्या होता है? जो आप पहले से मैटर आप बनाए होते हैं आप उसको ओपन कर सकते हैं। सेव क्या होता है? जो मैटर आप लिखे हैं आप उसको अपने नाम से सेव कर सकते हैं। सेव एज क्या होता है? उसी नाम को हम दोबारा जब कोई एडिट करते हैं तो उसी नाम को हम फिर दोबारा हम सेव कर देते हैं तो हमारा सेव एज कहलाता है। पेज सेटअप क्या होता है? जैसे ही पेज सेटअप हम क्लिक करते हैं हमको लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में ये हमको दिखाता है कि मार्जिन हमको कैसे सेट करनी है। तो हमने जो मैटर लिखे हुए हैं हम अपने हिसाब से यहाँ पे हम सेव कर सकते हैं। जैसे हमने सेट किया लेफ्ट में 89, ये हमारा जो पेज का सेटिंग है ऑटोमेटिक यहाँ पेज चेंज हो चुका है। आप यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमने ओके कर दिया। न्यू हम करते हैं। जैसे ही हम न्यू कंट्रोल न्यू करेंगे जैसे ही हमको पूछेगा डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल, क्या आप सेव करना चाहते हैं या नहीं का, अब हाँ सेव करना चाहते हैं तो आप इंटर कर लेंगे। हमने कोई भी नाम से सेव कर लिया है यहाँ पे। तो देखिए बाय डिफॉल्ट हमारा यहाँ पे नाम से चेंज हो चुका है। कंट्रोल एस कीजिए। ने विजय नाम किससे चेंज किया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अनटाइटल की जगह पे विजय 7676 आ गया हमारा बाय डिफॉल्ट। इसमें हमने कुछ एडिटिंग किया, कुछ टाइपिंग किया, कंट्रोल एस कर देंगे फिर वो ऑटोमेटिक सेव कर लेगा हमारा। एग्जिट मिस क्या होता है? हम बाहर जाने के लिए करते हैं। प्रिंट क्या होता है? जो हम टेक्स्ट मैटर लिखे होते हैं हम यहाँ से हम अपने टेक्स्ट मैटर को प्रिंट कर सकते हैं आसानी से प्रिंटर के माध्यम से। उसके पर बात करते हैं हम एडिट। एडिट जैसे ही हम क्लिक करते हैं बहुत सारे ऑप्शन को दिखाई देते हैं जैसे अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल, डेट एंड टाइम। बात करते हैं रीडो की। कंट्रोल जेड। रीडो होता क्या है? अगर मेरा डॉक्यूमेंट में जो टाइपिंग कर रहे होते हैं, मैटर टाइपिंग कर रहे होते हैं, अगर गलती से डिलीट हो जाती है, हमने इसको गलती से डिलीट कर दिया तो कंट्रोल जेड करते हैं तो ऑटोमेटिक ये हमारा वापस आ जाता है। हमने यहाँ जैसे ही कंट्रोल जेड किया ये मेरा वापस आ गया। कट कॉपी क्या होता है? कंट्रोल ए से हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं।
ये होता है कट कॉपी पेस्ट। कंट्रोल ए से सेलेक्ट किए, कंट्रोल एक्स से कट किए, कंट्रोल वी से पेस्ट किए। उसके बाद बात आता है हमारा फाइंड। फाइंड मीन्स होता है क्या, जो आप मैटर फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि अपने टेक्स्ट में क्या चीज़ फाइंड करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे बताना पड़ता है। तो आप हमको सपोज कर लीजिए जी फाइंड करना होता है, तो हम यहाँ पे जैसे जी डालेंगे, यहाँ पे ट्वेटिक कैन नॉट बी फाइंड जी, सॉरी जी जैसे ही हमको फाइंड करना अप में, यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिए हमारा जी क्या फाइंड हो रहा है हमारा जी। हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। फाइंड रिप्लेस क्या होता है, हमने जी के जगह पे एच लिखना है या कुछ और लिखना है, पी लिखना है सपोज कर लिए, तो हम यहाँ पे पी लिख देंगे, तो जहाँ जहाँ पे मेरा जी होगा वहाँ पे ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगा। देखिए मेरा जी जहाँ जहाँ पे था वहाँ पे क्या हुआ, रिप्लेस हो गया है। तो हम यहाँ से फाइन रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद हमको मिलता है गो टू। गो टू क्या होता है, जो मेरा एक लाइन नंबर बताता है कि हम किस लाइन नंबर पे हैं। हम यहाँ पे सेलेक्ट ऑल यहाँ से भी कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा डेट एंड टाइम। अब इसकी शॉर्टकट की होती है फाइव। जैसे ही हम ये फाइव करते हैं तो जो मेरा डेस्कटॉप पे जो टाइम चल रहा होता है या डेट जो होता है ऑटोमेटिक उस पर दिखाई दे देता है। यहाँ पे इसलिए यूज़ करते हैं जो इम्पोर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट होता है, तो हम यहाँ पे डेट टाइम लिख लेते हैं ताकि हमको पता चल सके कि इस दिन डॉक्यूमेंट लिखा गया है, इस दिन बना हुआ है। उसके बाद बात आती है फॉर्मेट की। फॉर्मेट में हमको वर्ड रैप दिखाई देता है, फॉन्ट दिखाई देता है। फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट में हम जा कर के उसकी साइज को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे होता है। हमने यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर लिया, इसको थोड़ा रेगुलर कर लेंगे, इसकी हाइट छोटी कर लेंगे। देखिए मेरा क्या हुआ, फॉन्ट चेंज हो गया इसका ऑलरेडी। फिर हमको चेंज करना है, फिर उसी पर चले आइए फॉर्मेट पे। आप यहाँ से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा बोल्ड कर लीजिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। देखिए मेरा चेंज हो गया ऑलरेडी। व्यू, व्यू में बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्टेटस बार दिखाई देता है हमको, जब हम हेल्प के माध्यम से हम नोटपैड के बारे में बात कर सकते हैं या उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये होता है मेरा नोटपैड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।